गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्वयं पोषण, मतलब पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है, इसके लिए क्रियाकलाप करके दिखाना, मतलब सिद्ध करके दिखाना कि ये तीनों चीजें प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। देखो, जंतु जो होते हैं, ज्यादातर जंतु वो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मतलब है वो ठोस भोजन को लेते हैं, भोजन के रूप में ठोस वस्तु को लेंगे और फिर उस ठोस वस्तु को सरल पदार्थ में बदलेंगे और फिर उस सरल पदार्थों का अवशोषण होगा और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होगा और जो यूजफुल चीजें होंगी उनको शरीर अपने काम के लिए प्रयोग कर लेगा। लगभग सभी जीवों में यही काम होता है। देखो, जो पादप होते हैं उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाले, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले जीव कौन है? पादप है। इस धरती पे सब कुछ जीवन चक्र जो चल रहा है वो सूर्य की ऊर्जा के कारण चल रहा है, लेकिन सूर्य के पास प्रकाश की ऊर्जा है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। उसका प्रयोग कर सकते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और वो रासायनिक ऊर्जा उनमें संचित हो जाती है, फिर दूसरे जीव उनको खाते हैं तो वह ऊर्जा उनके अंदर जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस धरती के ऊपर जो जीवन चल रहा है वह सूर्य की ऊर्जा के कारण ही चल रहा है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा के ऊपर निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है जो सीधे तरीके से सूर्य के ऊपर निर्भर है, सीधे तौर से, जैसे पादप है सीधे ही सूर्य से प्रकाश ले रहे हैं तो ये उसके ऊपर निर्भर है। अप्रत्यक्ष कैसे, जो इनको खाते हैं उत्पादक को, पादप को खाते हैं, वो सीधे सूर्य से ऊर्जा तो नहीं लेते लेकिन वो उत्पादक को खाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, पहले सूर्य का प्रकाश इनमें गया, फिर इनको किसने खाया, वो खा लिया दूसरे जीवों ने, तो वो भी सूर्य की ऊर्जा के ऊपर निर्भर है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो पादप क्या होते हैं, वो होते हैं उत्पादक, और जो इनको खाने वाले होंगे उत्पादक को, उनको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता कोई एक प्रकार का नहीं होता, उपभोक्ता अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता भी शाकाहारी, एक होता भी मांसाहारी, एक होता सर्वाहारी। शाकाहारी मतलब जो सीधे तरीके से पेड़ पौधों को ही खाते हैं, तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी ये होते हैं सारे उपभोक्ता। शाकाहारी हमें पता है जो सिर्फ पेड़ पौधे या उनके उत्पाद को खाएंगे, पेड़ पौधे या तो पौधे को ही खाएंगे, पत्तियों को खा लेंगे या फलों को खा लेंगे, वो होते हैं शाकाहारी। मांसाहारी का आपको पता है जो सिर्फ मांस खाते हैं, और सर्वाहारी मतलब जो पादप और पादप के जो प्रोडक्ट हैं, मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें या फिर मांस भी खा लेते हैं, जैसे मनुष्य है या फिर कुत्ता है या फिर बिल्ली है, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं, जो मांस भी खा लेंगे और पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें भी खा लेते हैं। ठीक है भाई, तो उपभोक्ता जो होगी ये होगी तीन प्रकार से, और उत्पादक जो होते हैं वो होते हैं पादप। पादप मतलब उत्पादक क्यों कहेंगे, क्योंकि वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में, फिर उस रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग बाकी सभी जीव उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कुछ मांसाहारी पादप भी हैं, मतलब कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो मांसाहारी हैं। मतलब अब आपको लगेगा कि क्या कोई पौधा भी मांसाहारी हो सकता है, हाँ कुछ पादप भी मांसाहारी हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पे पृथ्वी में नाइट्रोजन या मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ते हैं। उनके पास उस कीड़ों को पकड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका होता है, उनके पास कोई ना कोई ऐसी, भगवान ने उनको कुछ ऐसी संरचना दी है जिससे वो छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ के और उनका पाचन करके उनसे नाइट्रोजन ले सके। जैसे अलग अलग नाम होंगे, जैसे एक नेपन्थीज है, एक प्लांट का नाम है नेपन्थीज, एक ड्रोसेरा है, उनकी पत्तियां क्या होती हैं, कुछ
कप शेप की होती है, जैसे कोई इंसेक्ट उसके पास जाता है ऊपर एक ढक्कन सा होता है उसमें जाएगा बंद हो जाएगा और अंदर उसमें पानी सा होता है वो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक रस होता है वो जैसे उसमें गिरेगा तो पाचक रस उस पूरे के पूरे की जो अंदर जीव गया है जो कीट उसके अंदर गया उसको पचा देगा, मतलब वो घुल जाएगा और फिर उसका अवशोषण कर लेगा। इस प्रकार वो मांसाहारी पादप अपना भोजन खाते हैं, मतलब इंसेक्ट को पकड़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई जंतुओं में पोषण के मुख्य घटक, मतलब कौन कौन से स्टेप होंगे जब कोई भी जंतु अपना पोषण प्राप्त करता है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेप होते हैं। उसमें मुख्य रूप से भाई पांच स्टेप होते हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, सबसे पहले वो क्या करेगा भोजन को लेगा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंजेशन। फिर उसको क्या करेगा जब वो अंदर जाएगा स्टमक में तो उसका क्या होगा डाइजेशन, मतलब वो पचेगा उसको आएगा पाचन। तो इंजेशन को बोलते हैं अंतर्ग्रहण, डाइजेशन को बोलते हैं पाचन। उसके बाद पाचन के बाद क्या होगा अवशोषण एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एजिमिलेशन होगा, उसके बाद इजेशन होगा। अब ये क्या चीजें हैं देखो, इंजेशन का मतलब है भोजन को लेना, डाइजेशन का मतलब होता है पचाना, अंतर्ग्रहण फिर उसका पाचन, फिर पाचन का मतलब होता है जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलना। तो सरल पदार्थ पानी में घुल के अवशोषित कर लिए जाएंगे। अवशोषण के बाद जब वो अवशोषित हो जाएंगे तो हमारे शरीर में जाके वो नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं एजिमिलेशन या उपापचय क्रियाओं में भाग लेंगे। फिर उसके बाद जो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा, जो अवशोषण होना है वो तो हो जाएगा और बाकी जो बच जाएगा उसका हो जाएगा निष्कासन, ठीक है, उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है निष्कासन। ये काम सभी जंतुओं में होगा, जो भी जंतु सॉलिड फूड लेगा मतलब जो होलोजोइक पोषण जिसमें होता है सभी में ये काम होते हैं। ये पांच इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन होगा। अब ये काम कैसे होते हैं ये हम पढ़ते हैं अलग अलग जीवों में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमीबा में पोषण, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आ चुका है ये डायग्राम कि अमीबा में पोषण के स्टेप्स को एक चित्र द्वारा समझाइए। देखो अमीबा जो होता है यह एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव मतलब इसमें एक ही कोशिका है, लेकिन यह प्रोकैरियोट्स नहीं है, यह यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, इसकी एक कोशिका तो है उसमें सारे के सारे कोशिकांग मिलेंगे, मतलब केंद्रक भी है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम भी है, लाइसोसोम भी है, ठीक है भाई। ये सारे के सारे कोशिकांग इसमें मिलेंगे, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, जगत प्रोटिस्टा में आता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, पांच जगत किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये पांच किंगडम होते हैं, पांच जगत होते हैं। उनमें से जो दूसरा जगत है किंगडम मतलब जगत प्रोटिस्टा उसमें आता है ये कौन अमीबा। तो अमीबा इसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती, मतलब इसकी जो आकृति है ऐसा नहीं है कि ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा हमेशा, इसकी आकृति बदलती रहती है और ये आगे बढ़ता रहेगा किससे, ये जो इसमें उंगली जैसे उभार होते हैं, उंगलियों जैसे प्रोजेक्शंस हैं, उभार हैं जिनको बोलते हैं पादाप, पैर नहीं है लेकिन पैर जैसे है, फाल्स स्यूडोपोड स्यूडोपोडिया बोलते हैं इनको, मतलब फाल्स फीट झूठे पैर, पैर जैसे हैं पैर नहीं है तो इनको पादाप बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई भोजन इसके आसपास आता है तो ये उसको भोजन को सेंस कर लेगा, जैसे ये भोजन आया तो ये अमीबा उसको सेंस कर लेगा, ये पानी में रहता है ये बाहर नहीं रह सकता, हमेशा पानी में ही रहेगा और खाता किसको है छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणुओं को खाएगा या माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स अत्यंत सूक्ष्म जो पौधे होंगे ये उनको खाता है। जब भी कोई इसके आसपास भोजन का कोई कण मौजूद होगा तो ये उसको सेंस कर लेगा, मतलब इसकी ग्रंथियों से सॉरी इसकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे उसको पता चल जाएगा कि आसपास भोजन है। फिर क्या होगा जो इसके ये पादाप है, ये फाल्स फीट है झूठे पैर हैं, ये क्या करेंगे ये इसके चारों तरफ एक घेरा बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको अंदर लेने की कोशिश करेंगे। तो पहले ऐसे होंगे ये भोजन का कण है, ये इसको ऐसे घेरने की कोशिश करेंगे इस तरह से, फिर क्या होगा ये और अंदर जाएगा इस तरह से, और आखिर में क्या होगा जो ये गोल चक्कर सा इसने बनाया है अपना,
ये यहाँ से ये दोनों इससे मिल जाएंगे और ये भोजन अंदर चला जाएगा। इस प्रकार ये अंदर चला गया। इस भोजन देखो ये जो बना है इसमें इसकी कोशिका झिल्ली भी टूट के अंदर चली गई है। देखो ये यहाँ से कोशिका झिल्ली ऐसे मिल जाएगी और ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा, ये दोबारा यहाँ से जुड़ जाएगा। तो कोशिका झिल्ली ने भोजन के कण को अपने अंदर ले लिया, जो बनेगा उसको बोलेंगे खाद्य रिक्ति का। ये जो अंदर चली गई है जिसमें भोजन का कण मौजूद है उसको क्या कहेंगे हम, खाद्य रिक्ति का। अब इसमें भोजन है, इसको पचाना भी है और पचाता कौन है, एंजाइम। और एंजाइम किसमें होते हैं, लाइसोसोम में। अभी मैंने बताया था ये तो यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें लाइसोसोम भी होगा। तो जब ये खाद्य रिक्ति का बन जाएगी तो लाइसोसोम इसके संपर्क में आएगा और लाइसोसोम और खाद्य रिक्ति का आपस में जुड़ जाएंगे और लाइसोसोम के एंजाइम इसके अंदर पहुंच जाएंगे, इसमें खाद्य रिक्तिका में। और लाइसोसोम के एंजाइम उसमें जो भोजन है उसको पचाना शुरू कर देंगे और बन जाएगा क्या, पाचक रिक्ति का। ये पाचक रिक्ति का बन जाएगी। अब जब भोजन का पाचन हो जाएगा, जब जटिल भोजन सरल भोजन में बदल जाएगा तो जो सरल पदार्थ है वो इसमें से पाचक रिक्तिका में से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, मतलब इसकी कोशिका में फैल जाएंगे, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, अवशोषण हो जाएगा भोजन का। अब इसमें जो पदार्थ बच गया जो इसके काम का नहीं है, या ये कह लो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें रह जाएगा। अब ये जो खाद्य रिक्तिका थी, सॉरी पाचक रिक्तिका, ये दोबारा से कोशिका झिल्ली की तरफ चलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें अब अपशिष्ट पदार्थ है तो ये अवशोषण हो जाएगा, पूरे की पूरी कोशिका में भोजन का अवशोषण हो गया, भोजन फैल गया है। अब जो बच गया मैंने बताया वो कोशिका झिल्ली की तरफ चलेगा, ये कोशिका झिल्ली की तरफ चला गया। पहले कोशिका झिल्ली के ऐसे संपर्क में आएगा, कोशिका झिल्ली के साथ ऐसे टच करेगा। टच करने के बाद जो ये जहां से टच इसने इसको टच किया है, छुआ है, वहां से ये कोशिका झिल्ली फट जाएगी। इस प्रकार से ये बन जाएगा और अपने जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर छोड़ देगा, पानी में वातावरण में छोड़ देगा। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है, जैसे इसकी अंदर टूट के गई थी पहले, यहाँ से टूट के गई थी और दोबारा से ये इसी में जुड़ जाएगी। इस प्रकार इसका साइज घटता नहीं। अगर ये काम चलता रहे, मतलब कोशिका झिल्ली टूटती रहे, खाद्य रिक्तिका बनती रहे, तो ये तो छोटा ही होता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये खाद्य रिक्तिका के रूप में इसकी कोशिका झिल्ली टूटती जरूर है, लेकिन जब ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर छोड़ता है तो वो जो कोशिका झिल्ली है वो दोबारा से इसी में जुड़ जाती है। इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। देखो इसने भी वही पांच काम किए, क्या किए, इसने इंजेशन भोजन का अंतर्ग्रहण किया, मतलब भोजन आया उसको लिया, तो उसको पचाया। पचाने का काम एंजाइम करते हैं हमेशा, तो इसने एंजाइम की मदद से उसको पचा लिया। फिर पचा हुआ भोजन का क्या हुआ, अवशोषण। जो पाचक रिक्तिका से जो भोजन था वो सारे कोशिका में फैल गया तो अवशोषण हुआ। फिर वो जो फैला हुआ भोजन था जो जाएगा इधर उधर जो गया है, इसने क्या किया, उसकी अलग अलग क्रियाओं में भाग लिया, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर क्या हुआ, उत्सर्जन, इजेशन, मतलब से इस पदार्थ को बाहर निकालना। यही पांच काम होंगे। सभी जीवों में चाहे ऐसा कोई जीव जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक पोषण जिसमें होता है, चाहे वो एक कोशिक है चाहे बहुकोशिक है, वो ये पांच काम ही करेगा। फर्क बस इतना है, एक कोशिक जीव में भोजन को लेने के लिए कोई खास अंग नहीं होते, कोई स्पेशल अंग नहीं है, इसमें कोई खास अंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यहीं से भोजन लेगा, ये भोजन कहीं से भी ले सकता है। अगर यहाँ संपर्क में आया तो यहीं से इसके पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ से पदार्थ बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो बहुकोशिक जीव होते हैं उसमें भोजन को लेने का रास्ता कोई खास है, मतलब एक स्पेशल अंग है जहाँ से वो भोजन लेगा, और उसको पचाने वाला भी एक स्पेशल अंग है जहाँ से वो पचेगा, अवशोषण के लिए अलग है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत जटिल होती है, संरचना बहुत जटिल है, उसमें प्रत्येक काम को करने के लिए एक अलग अंग दिया गया है, उसमें काम का बंटवारा स्ट्रिक्ट तरीके से होता है, अच्छे से होता है, इसलिए बहुकोशिक जीव काम को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसकी बॉडी देखो, इसकी संरचना तो कितनी साधारण है, इसमें तो एक ही कोशिका है, इसमें ना तो उत्तक बना है, ना इसमें अंग बना है, ना ही अंग तंत्र बना है, सिर्फ एक ही कोशिका पूरी के पूरे जीव का काम कर रही है। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है। एक एक कोशिक जीव और है जिसका नाम भी
पैरामीशियम, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो इसको स्लीपर, जो लेडी स्लीपर होते हैं ना उसके जैसे इसकी बॉडी होती है, देखो इस प्रकार से ऐसे कुछ होगी। इसकी बॉडी के ऊपर धागे धागे से होते हैं, छोटे छोटे धागे से जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं सीलिया, बोलते हैं सीलिया। और ये जो इसका ये पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोस्टोम, साइटोस्टोम ठीक है, हिंदी में भी साइटोस्टोम ही लिखेंगे। यहां से क्या करेगा ये, यहां से ये भोजन को ग्रहण करता है, यहां से इस अंग से, यहां पे थोड़ी सी एक भोजन नली सी होती है आगे की तरफ इसकी, ठीक साइटोफेरिक्स उसको बोलते हैं, ये साइटोस्टोम बोलते हैं। जैसे ही भोजन इसके संपर्क में आएगा, यहाँ आएगा, तो इसके जो सीलिया है, ये जो सीलिया है ये बीटिंग करते रहते हैं, मतलब ये हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिलेंगे और भोजन को अंदर ले लेंगे, अंदर खींच देंगे यहाँ पे, और भोजन यहाँ अंदर जाएगा। फिर भोजन इसी प्रकार से जैसे अमीबा में गया था, अंदर जाएगा, फिर भोजन पचेगा, उसका अवशोषण होगा और अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे ही बाहर निकालता है जैसे अमीबा ने निकाला है, जहां से निकलता है उसको बोलते हैं साइटोपाइगी, साइटोपाइगी ये है, साइटोपाइगी CYTOPYGAE ठीक है, ये साइटोस्टोम है, जहां से भोजन लेता है, मुंह नहीं है लेकिन मुंह जैसा है। और ये देखो ये गुदा द्वार नहीं है, मतलब एनस नहीं है जहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा, लेकिन उसके जैसा काम कर रहा है, तो साइटोपाइगी इसको बोलते हैं। देखो ये सरल संरचना है, जीव धीरे धीरे से सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं, इनमें तो एक ही कोशिका है, उसके बाद कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बहु कोशिका है लेकिन उत्तक नहीं है, फिर जीव ऐसे बने थे जिनमें उत्तक बनते हैं अंग नहीं बनते, उसके बाद अंग बने, फिर उसके बाद अंग तंत्र बने, ठीक है, इस प्रकार जीवों की संरचना हुई है। तो हम वही पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये तो हो गया भाई अमीबा में पोषण किस प्रकार हुआ है, और पैरामीशियम में भोजन का सॉरी पोषण पैरामीशियम में किस प्रकार हुआ है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, काम यही होंगे ये पांच चीज जो हमने पढ़े, क्योंकि मनुष्य भी तो होलोजोइक है, वो भी ठोस भोजन ही खाता है, काम उसमें भी पांच प्रकार के होंगे, जैसे वो क्या करेगा, भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन करेगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर उपापचयन होगा, और फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, यही काम होंगे। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।